जहां हर तरफ छाया है प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के झगड़े का किस्सा। पर जूम आप तक लेकर आया है इस केस से जुड़ा एक दूसरा हिस्सा। I own a team. I'm an investor in the team. I'm the chairperson of the team of my company. But still I have people asking me, is it bought for you? Is it a gift? I'm the boss. I'm the boss. सालों पहले कॉन्फिडेंटली कही हुई इस बात में कितनी सच्चाई है, यह हमारी स्टोरी पूरी होने से पहले आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जूम को इस केस में प्रीति के एक बेहद नजदीकी दोस्त से मिला है टीम में प्रीति के स्टेक का क्लू। जो कम से कम ये साबित करने में मदद करेगा कि प्रीति के दावों में कितना दम है। उन्होंने क्रिकेट टीम बनाने में अपनी सारी हार्ड अर्न मनी लगाई है या फिर टीम में स्टेक के मामले में नेस का दावा सच्चाई से ज्यादा करीब है। हम लोग सब चीज करते हैं टीम के लिए, यू नो, प्रीति, मायसेल्फ, दूसरे ओनर मोहित भी, तो सब हैप्पी फैमिली है। प्रीति सामने है, मीडिया के सामने, हम लोग पीछे हैं। प्रीति और नेस के अलग अलग दावों के बाद इनकी क्रिकेट टीम में किसका इन्वेस्टमेंट है ज्यादा और कौन कर रहा है झूठा दावा, इसका इशारा किया है प्रीति के एक बेहद क्लोज फ्रेंड ने। प्रीति के उस दोस्त ने सोर्स को सीक्रेट रखने का वादा लेकर जूम को बताया है कि दरअसल नेस की फैमिली तो क्रिकेट में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के सख्त खिलाफ थी। उस वक्त प्रीति जिंटा ने अपने पास से पंजाब की टीम के लिए शुरुआत में ही 5 करोड़ रुपए नेस को ला कर दिए और नेस को अपने नाम से ये पैसा टीम में इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया। प्रीति की लाइफ को काफी करीब से जानने वाले उनके उस डायरेक्टर फ्रेंड ने यह भी इशारा किया है कि उस क्रिकेट टीम का लगभग सारा स्टेक प्रीति ने अपने पैसों से खरीदा है, क्योंकि नेस के नाम टीम की ओनरशिप भले ही हो पर उन्हें इस मामले में जरा भी फैमिली सपोर्ट नहीं था। वही प्रीति नेस उस वक्त रिलेशनशिप में थे। प्रीति के उस दोस्त की माने तो उन्होंने पूरी तरह कमिटेड रहकर वो रिलेशनशिप निभाई। हालांकि वानखेड़े स्टेडियम में 30 मई के मैच में हुए प्रीति नेस के विवाद के बारे में प्रीति के उस दोस्त को भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उसका ये कहना जरूर है कि कोई बड़ी बात हुई होगी वरना प्रीति ऐसा शायद नहीं करती। वेल, अब प्रीति के उस दोस्त की बातों में कितनी सच्चाई है यह फिलहाल कहना जरा मुश्किल है। वैसे प्रीति नेस केस अब पुलिस के पास है, ऐसे में अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर में कौन सही साबित होता है। फरुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई।